वेलकम बैक टू माय चैनल इजी सीख। आज हम डोसा बनाएंगे। डोसा हमारा बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और खाने में मजेदार होगा। इस डोसा को बनाने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। आप चाहे जितना डोसा बनाएं, डोसा फटाफट बनेगा और तवा पर चिपकेगा नहीं। आइए देखते हैं कि परफेक्ट डोसा इस वीडियो में कैसे बनेगा। डोसा बनाने के लिए हम चावल और दाल लिए हैं। दाल में हम उड़द का दाल लिए हैं, आप चाहे तो चना का दाल भी मिलाकर ले सकते हैं। चावल और दाल का रेशियो हमारा 4:1 का होगा, यानी 4 कप अगर हम चावल लेंगे तो 1 कप दाल लेंगे। और इनको पानी में सोख करके 3-4 घंटा के लिए रख दिए थे। जब अच्छे से ये फूल जाएंगे तब इनको मिक्सर जार में डालकर अच्छे से ग्राइंड करके इनका हम एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे, जिससे डोसा हमारा बहुत ही क्रिस्पी बने। घोल हमारा इतना गाढ़ा है, इतना गाढ़ा घोल का हम डोसा नहीं बनाएंगे, लेकिन इनको हम बाद में पतला करेंगे। अभी फूलने के लिए इनको गर्म जगह पर 3-4 घंटा ढक कर रख देंगे, जिससे अच्छे तरीके से यह फ्लफी हो जाए। 4 घंटा इनको हम ढक कर रख दिए थे, ये काफ़ी फूल गए हैं। फुलाने के लिए इसमें हम न सोडा डालेंगे न इनो डालेंगे। घोल को पतला करने के लिए इसमें हम पानी डाल देंगे, जिससे डोसा सही से बने। घोल हमें इतना पतला बनाना है कि न यह ज़्यादा पतला हो न ज़्यादा गाढ़ा हो। पानी डालने के बाद घोल को हम इतना पतला बना लिए हैं। इसी तरीके से घोल हमें चाहिए, जिससे डोसा हमारा परफेक्ट बने। अगर घोल अच्छा बना रहता है तो डोसा भी अच्छा बनता है और क्रिस्पी बनता है और फटाफट बनता है। इसीलिए घोल को बनाते समय आप ज़्यादा ध्यान दें। चलिए हम डोसा को बनाते हैं। डोसा बनाने के लिए घोल तो तैयार हो गया है। इसमें डालने के लिए हम आलू लिए हैं। आलू को हम सिंपल तरीके से अच्छे से भून लिए हैं। आप जिस तरीके से आलू को भूनना चाहें उस हिसाब से भून कर रख लें। और इसमें डालने के लिए हम कटा हुआ प्याज लिए हैं, कटा हुआ टमाटर, हरा मिर्चा और धनिया पत्ती लिए हैं। आप चाहें तो मटर, पनीर, अपने पसंद के चीज़ों को भी डाल सकते हैं। चलिए हम डोसा को बनाते हैं। डोसा बनाने के लिए हम डोसा तवा को फ्लेम पर रख दिए हैं और इसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तवा जैसे गर्म होगा उसके ऊपर 1 चम्मच पानी डालेंगे और तुरंत ही हम कॉटन कपड़े से इनको पोंछ लेते हैं। और हम 1 कलछल डोसा का घोल लेंगे और गोल गोल घुमाते हुए अंदर से बाहर के तरफ हम जाते हैं और इनको बहुत ही पतला लेयर में इनको तवा पर फैला देंगे। इस तरीके से यह हमारा डोसा का गोला बनके तैयार हो गया है। अब इनको हम सेकने देते हैं। शुरू में आंच हमारा तेज रहेगा, लेकिन जब इसके ऊपर हम घोल को फैला देंगे तो आंच को हम मीडियम कर देंगे। जैसे ही यह ड्राई हो जाएंगे इसके ऊपर 1-2 चम्मच ऑयल डालेंगे और चम्मच से पेस्ट करते हुए डोसा को अच्छे से हम क्रिस्पी बना लेंगे। और पलट कर हम हल्का दूसरी तरफ भी सेक लेते हैं। इस तरीके से डोसा हमारा बनके तैयार हो गया है। आलू डोसा बनाने के लिए इसके ऊपर हम अपने बनाए हुए आलू को रख देंगे और कटे हुए प्याज, टमाटर, हरा मिर्चा और धनिया पत्ती को डाल देते हैं और इनको फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से डोसा तो रेडी हो गया है, लेकिन यह बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। चलिए इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। जब भी आप डोसा बनाएं तो हर बार इस पर पानी के छींटा दें और कॉटन कपड़ा से जरूर पोंछें। ऑयल अगर हम एक बार लगा देते हैं तो ठीक है, लेकिन पानी का छींटा हम बार बार देंगे, उसी से डोसा हमारा परफेक्ट बनता है। तवा पर चिपकता नहीं है और अच्छे से राउंड राउंड होकर गोल गोल हमारे डोसा बनते हैं। इसीलिए आप बार बार इस बात का ध्यान रखें। और क्रिस्पी बनाने के लिए जब यह ड्राई हो जाए तो इसके ऊपर हम 1-2 चम्मच या आप जितना पसंद करें 2-3 चम्मच ऑयल को जरूर डालेंगे और इनको ऊपर से हल्का हल्का प्रेस करते रहते हैं, जिससे डोसा हमारा बहुत ही क्रिस्पी बनता है। अगर हम इनको ऑयल के साथ प्रेस नहीं करेंगे तो यह पक तो जाते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनते हैं। इनको आप चाहे 2 फोल्ड में फोल्ड करें, चाहे राउंड में फोल्ड करें। इस तरीके से यह हमारा क्रिस्पी डोसा बनके तैयार हो गया है। डोसा अच्छा बने उसके लिए हम 3 बातों का ध्यान रखते हैं। घोल हमारा सही बनना चाहिए और घोल अच्छे से फूलना चाहिए और तवा पर चिपकना नहीं चाहिए। इस तरीके से यह डोसा हमारा परफेक्ट है। डोसा को आप सांभर चटनी के साथ खाएं
अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।